हाँ जी हमने क्या क्या कर लिया था हमने सिंपल कर लिया अदर देन कैश कर लिया ना अब हम क्या करने वाले हैं सर अब करने वाले हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी इसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं सर कोलेट्रल सिक्योरिटी पे चलिए लेट्रल सिक्योरिटी देखिए कोलेट्रल सिक्योरिटी होता क्या है पहले एक एग्जांपल से समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल पे ठीक है ना और इसमें क्या क्या टॉपिक है फिर उसके बाद हम देखेंगे चलिए ठीक सबसे पहले कोलेट्रल का मतलब होता है एक तरीके से गिरवी we... ठीक है नॉर्मली हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं सबसे पहले मैं एक बार डिवेंचर का नेचर बता दूं कि डिवेंचर वर्क किस तरीके से करता है डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है क्योंकि पर्सन डिवेंचर खरीद क्यों लेता है नॉर्मली अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, मान लो एक कंपनी है हमारे पास एक्सवाई जेड लिमिटेड अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के अंदर जो अगर कंपनी मतलब डूबता है यानी कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट हो जाए ठीक है तो कंपनी के अंदर सबसे पहले जो पेमेंट मिलेगा ना वो मिलेगा सबसे पहले किस किस को सीक्वेंस होता है कुछ जैसे हमारे कुछ लाइबिलिटी जो होते हैं उसको कैटेगराइज में बांट दिया जाता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि हमने जब लोन लिया उस लोन के अगेंस्ट मैंने कुछ सामान गिरवी रखा है गिरवी रखा हुआ है अनसिक्योर्ड मतलब मैंने कोई भी लोन लिया कर्जा और मैंने सामने वाले पार्टी को कुछ भी गिरवी नहीं दिया और जब कभी भी कंपनी हमारा डिफॉल्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम सिक्योर्ड का पेमेंट करते हैं फिर अनसिक्योर्ड का और हाईली रिस्की रहता है कि कंपनी का कुछ नहीं पता कुछ भी नहीं कह सकते कब कंपनी बंद हो जाए बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी हमने देखी है बंद होते हुए और छोटी से छोटी कंपनी भी देखी है बड़े होते हुए तो अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल पर्सन को मैं बोलूं कि भैया तू एक काम कर हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा हमारी कंपनी के अंदर तू एक तरीके से डिबेंचर खरीद ले तो ये बहुत रिस्क है इसके पास बहुत रिस्क है रिस्क ये है कि इसके पैसे भी डूब सकते हैं सपोज अगर इसने एक लाख रुपए लगाया कंपनी में और मैंने अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट दिया बैंक वाले नौ दे रहे हैं मैंने 15 दिया मैं मानता इसको साल का ब्याज तो मिलेगा लेकिन यह भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इसका प्रिंसिपल अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल इसका डूब जाए जब इस तरीके की बातें समझ में आता है इन्वेस्टर को तो इन्वेस्टर कहता है यार मुझे यहाँ पैसे नहीं लगाने थोड़े से लालच के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा तो नाउ अगर ये सिचुएशन है तो फिर लोग डिबेंचर क्यों खरीदते हैं अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बनता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए डिबेंचर होल्डर को एक इस तरीके से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए डिबेंचर होल्डर को हमें बताना पड़ेगा कि आपके पैसे सिक्योर्ड है डूबेंगे नहीं हम डूब जाए कंपनी डूब जाएगी लेकिन आपके पैसे सिक्योर्ड होंगे तो कंपनी क्या करती है कंपनी के पास नॉर्मली अगर हम देखें तो हमेशा याद रखना किसी भी कंपनी के पास जो उनके एसेट्स होते हैं जो उनके एसेट्स होते हैं कुछ भी हो सकता है आपका हो सकता है मटेरियल हो सकता है हो सकता है लैंड बिल्डिंग हो सकता है हो सकता है फर्नीचर उस एसेट्स को क्या करती है कंपनी उस एसेट्स को एक जगह रख देती है एक जगह पे उस एसेट्स को रख दिया जाता है मान लिया कंपनी के पास मान लेते हैं पचास uh, करोड़ रुपए का एक एसेट्स है उस पचास करोड़ रुपए का एसेट्स कंपनी ने यहां रख दिया और इस एसेट्स के ऊपर कंपनी का कोई राइट नहीं है कंपनी ने यहां रख दिया है और इस एसेट्स को देखने के लिए एक कंपनी का बंदा रहता है और अगर कंपनी ने जो भी डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने जो भी डिबेंचर इशू किया है जो डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने तो कंपनी ने इनको बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ तुम्हें मैं डिबेंचर दे रहा हूँ तुम मुझे जैसे इसको मैंने बोला पैसे दो और बदले में मैं अपना एसेट्स रख रहा हूँ अगर आपसे कोई कर्जा मांगने आए कि एक काम कर भाई मेरे पास अगर आपके पास एक लाख रुपए है उसने बोला चल मैं तेरे को दो तोला अपना गोल्ड दे देता हूँ जिसकी कीमत एक लाख बीस हजार होती है बदले में मुझे एक लाख रुपए ब्याज पे दे दे तो आप बोलोगे ले जा भाई क्योंकि वहां पे आप कॉन्फिडेंस हो कि अगर इस बंदे ने पैसे भी नहीं दिए तो इसका मैं गोल्ड बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा ज्यादा ही कर लूंगा रिकवर बल्कि तो सेम कंपनी ने बोला कि भैया देख तू मेरे को पैसे दे दे उधार बदले में मैं तेरे से जितना भी पैसा ले रहा हूं उससे कहीं ज्यादा या मान ले मैं तेरे से पचास करोड़ रुपए अगर ले रहा हूं बहुत सारे लोगों से तो मैंने अपने पचास करोड़ के एसेट्स दे तो दिए तुझे अगर मैं डिफॉल्ट हुआ इन केस तेरे पैसे देने में कंपनी कहता है डिबेंचर होल्डर तो बहुत सिंपल सी बात है कहेगा इनको विश्वास नहीं होगा कि भाई मेरे नाम पे एसेट्स गिरवी है कैसे रखोगे ये बताओ क्योंकि एक डिबेंचर नहीं होगा बहुत सारे मैनी डिबेंचर्स होंगे तो हर किसी को एक ही प्रॉपर्टी का पेपर थोड़ी हम देते रहेंगे

तो इस चीज को पॉइंट को क्या कहते हैं इस पॉइंट को कहते हैं ट्रस्टी ट्रस्टी इसको क्या कहेंगे हम ट्रस्टी तो मान लो कि कंपनी ने अभी सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ के 40 करोड़ के डिबेंचर इशू कर दिए हैं कंपनी ने फोर्टी करोड़ के लेकिन कंपनी ने फोर्टी करोड़ का जो डिबेंचर इशू करा है उसके बदले कितने रुपए का सामान गिरवी रखा हुआ गिर दस करोड़ का तो कंपनी ने गिरवी रखा है तो है तो डिबेंचर होल्डर बोलता हाँ भाई ठीक है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो गवर्नमेंट हमारे साथ है तुम भी आ जाना और हमारा मेंबर भी चला जाएगा लॉकर खोलेंगे प्रॉपर्टी का पेपर निकालेंगे और इसको हम बेच के अपना पैसा ले लेंगे चाहे तुम कंपनी बर्बाद हो जाओ हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता इस वजह से डिबेंचर होल्डर क्या करता है कंपनी को पैसे दे देता है लेकिन यह सब काम करने के बाद कंपनी को और एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ेगी अगर एक्स्ट्रा फंड तो कंपनी फंड तो बहुत जगह से रेस कर सकता है लेकिन कंपनी के ना तो इक्विटी है ना तो कुछ एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ रही है यानी कंपनी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान लो फाइव सी की जरूरत है पांच करोड़ की अब पांच करोड़ रुपए की जरूरत है तो कंपनी इस पांच करोड़ रुपए को कहां से लाए अपने एक्सपेंशन के लिए तो कंपनी जाती है किसके पास सर बैंक के पास जनरली कंपनी जाएगी बैंक के पास और बैंक से बोलेगी भैया मुझे लोन लोन दे दो आप जब बैंक के पास लोन लेने के पास लेने लिए जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में बैंक वाला जब भी लोन देगा इसे पांच करोड़ रुपए का पहले बोलेगा आप बदले में मेरे पास कोई सामान अपना गिरवी रख दो तभी मैं आपको लोन दूंगा कोई भी सामान गिरवी रखो तभी मैं आपको लोन दूंगा। अब बैंक वाले ने बोला कोई सामान गिरवी रखो यानी कोई एसेट्स मेरे पास प्लेज कर दो एसेट्स मांग रहा है बैंक वाला और जबकि कंपनी के पास जो कंपनी है उस कंपनी के पास तो एसेट्स है या नहीं है इस कंपनी के पास एसेट्स तो है ही नहीं क्योंकि एसेट्स तो ट्रस्टी के पास चला गया इस सिचुएशन में बैंक वाले इसको लोन देने से मना कर देंगे लेकिन अगर ये कंपनी बैंक वालों को ये सारे सिचुएशन बताए कि मेरे पास एसेट्स तो हैं लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है वो डिबेंचर होल्डर के कंट्रोल में है और एसेट्स मेरा इतने इतने का है तो बैंक मैनेजर या बैंक वाले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बोलेंगे एक काम करते हैं यार तेरा लोन जो था वो था चालीस करोड़ का तेरे एसेट्स है पचास करोड़ का तो दस करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो एक काम करते हैं कि मैं तुझे लोन दे दूंगा बदले में तू मुझे ये आले एसेट्स में से मुझे थोड़े से एसेट्स मेरे पास गिरवी भी रखते तो भाई कंपनी कहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस एसेट से मैं गिरवी रख ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे एसेट्स किसके पास है डिवेंचर होल्डर आप लॉजिक समझना अगर कंपनी को हम और फ्रेश इशू कर दे डिवेंचर और क्या कर दे हम फ्रेश इशू डिबेंचर कर दे अगर कंपनी को हम क्या कर दे इशू सर डिबेंचर इशू कर दे जैसे ही हम कंपनी को डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने के बाद ये भी हमारा किस लाइन में खड़ा हो जाएगा हमने डिबेंचर इशू किसको कर दिया हमने सर बैंक को अब जो ये बैंक है बैंक भी हमारा एक एज अ ट्रीट हो जाएगा किसकी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर मैं बैंक को ये डिबेंचर इशू कर दूं बैंक को अगर मैं डिबेंचर इशू कर दूं तो होगा क्या बैंक भी एक तरीके से डिबेंचर के लाइन में बन जाएगा और बैंक वालों ने कितने का कर्जा दे रखा है पांच करोड़ का एसेट्स कितने कितने का हो गया टोटल जो हमारा लोन हो गया डिबेंचर कितने हो गए चालीस तो पहले ही था पांच करोड़ बैंक वाले को भी दे दिया तो हमारे डिबेंचर इशू कितने माने जाएंगे फोर्टी फाइव करोड़ के। और अगर कंपनी बर्बाद हुई तो उसके इसमें इसके एसेट्स बिक के कितने मिल जाएंगे इसको पचास करोड़ तो नाउ बैंक वाला सेफ हो गया यानी बैंक वालों ने इस एसेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया अगर इसके पास डिबेंचर आ जाते हैं तो बैंक वाले का एक तरीके से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो इस एसेट्स पे कंट्रोल है कल के दिन कंपनी डूब जाए तो बैंक वाला आ जाएगा देखिए मेरे पास भी डिबेंचर है मुझे भी इसमें से पांच करोड़ रुपए दे दो तो अब बोलेगा सर मैं डिबेंचर इशू कर दूंगा तो अब बैंक से जो लोन लिया पांच करोड़ का सवाल ये उठता है कि भैया अपना दस पंद्रह परसेंट डिबेंचर है इसके ऊपर अलग से बैंक को ब्याज दूंगा तो एक तरीके से देखा जाए तो दो दो ब्याज नहीं हो गया मैंने बैंक वाले को डिबेंचर इशू किया उस पर तो ही रहा हूं और उस पर तो बैंक वालों ने कहा कि भाई ये डिबेंचर मुझे बस भरोसे के लिए चाहिए ये डिबेंचर मुझे दे दीजिए इसके ऊपर हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे आप जो इंटरेस्ट है ना वो हमें मत दीजिएगा इन सभी को देते रहिए इंटरेस्ट आप मुझे बस आप डिबेंचर दे दीजिए मुझे जो ब्याज दीजिएगा वो किसका दीजिएगा जो मैं आपको बैंक से लोन दे रहा हूं उसका ब्याज देना है सिर्फ अब इसको लोन भी इजीली मिल गया तो लोन जो मिला इसने अपने एसेट्स को तो गिरवी नहीं रखा एक तरीके से इसने अपने डिबेंचर को गिरवी रख दिया मैंने क्या कहा था कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी और क्वालिट्रल सिक्योरिटी कहां चल रहा है वाले चैप्टर में तो इसने अपना डिवेंचर कितने का गिरवी रखा पांच करोड़ का अगर आपके पास कोई सामान मैं गिरवी रख दूँ मान लेते हैं एक ज्वेलरी मैंने गिरवी रख दिया और आपका पेमेंट मैं डिफॉल्ट कर दूँ देने में तो आप बोलोगे भाई ये ज्वेलरी तूने जो गिर... अगर जब तक मैं आपके टाइम पे पेमेंट देता रहूं तो आप उस ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाओगे ऐसा नहीं है कि भाई ज्वेलरी पड़ा हुआ है चलो पहन के यहाँ पहन के वहां चले जाते दूसरे का ज्वेलरी पड़ा हुआ नहीं करोगे ऐसा क्योंकि भाई दूसरे का सामान रखा हुआ है लेकिन जब मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा आपके ब्याज देने में आपका प्रिंसिपल देने में टाइम पे फिर बोलोगे भैया आप भूल जाते ज्वेलरी है ज्वेलरी हो गए मेरे अब उस ज्वेलरी को आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना चालू कर दोगे वेदर आप खुद के लिए यूज करो चाहे आप उसे बेचो वो उसमें पूरा राइट आपका आ गया तो सेम अगर बैंक वाले को मैं उसका ब्याज देना बंद कर दूं तो वो डिबेंचर जो मैंने उसके पास गिरवी रखा है वो आपका अभी तो एज अ गिरवी रखा हुआ है कि मैं अगर आपके पेमेंट नहीं देते तो आप डिबेंचर को मेरे बेच करके अपने एसेट्स को ले सकते हैं तो जो डिबेंचर मैंने उसको दिया है एज अ गिरवी रखा है कोलेट्रल सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मतलब एक तरीके से आ, हम बोलते हैं ना कि मान के चलो हमने एक सिक्योरिटी रख दी है उसके पास अपने किसी चीज को करने के लिए तो यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रख दिया जाता है तो पहला फंडा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर दिया जाता है क्या उस पर इंटरेस्ट बैंक वालों को दिया जाता है जवाब है नहीं कब दिया जाएगा बैंक वालों को जब बैंक वाले डिफॉल्ट हो जाएंगे सॉरी जब कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी लोन का ब्याज देने में तब जाके उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा किस पे आपके डिबेंचर का ठीक है ना तो जो भी हम डिबेंचर इशू करते हैं एज अ कोलिटरल सिक्योरिटी तो इसका मतलब बहुत सिंपल है अब सिंपल फंडा समझना बहुत सिंपल तरीके से कि सर हमने क्या करा बैंक से लोन लिया मान लेते हैं पांच करोड़ रुपए का मिल गया मुझे लोन और बदले में मैंने इसके पास गिरवी रखा बदले में मैंने इसके पास गिरवी रखा क्या रखा गिरवी मैंने इशू कर दिया क्या सर इशू कर दिया दैट इज डिवेंचर और ये डिवेंचर एक तरीके से डेड डिवेंचर है इस डिवेंचर से बैंक वाला कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएगा इस डिवेंचर से बैंक वाला तभी बेनिफिट उठा पाएगा जब हम डिफॉल्ट होना चालू कर देंगे तो बदले में डिवेंचर तो डिवेंचर इश्यू हो गया एज अ सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी तो ये कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि बैंक

कंपनी लॉ कहता है कि भैया तुम इसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया बट इसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ तो इसकी अकाउंटिंग दो तरीके से होती है बेसिकली बेसिकली इसकी अकाउंटिंग दो तरीके की है इसमें से ज्यादा चांसेस होता है थ्योरी पूछ लिया जाए लेकिन इसके अकाउंटिंग को दो पार्ट में बांटा गया पहला पार्ट बांटा गया सर इसकी अकाउंटिंग करना चाहते हो तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड का मतलब आप इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से करोगे सेकंड है हमारा सेकंड मेथड, दूसरा है हमारा सेकंड मेथड। सर सेकंड मेथड में क्या करोगे आप सेकंड मेथड के अंदर हम जर्नल एंट्री यानी अगर आप फर्स्ट मेथड फॉलो करोगे तो आप सीधा सीधा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको उसका जवाब देना है अगर एग्जामिनर सेकंड मेथड बोले करके दिखाओ इसका डिबेंचर का ट्रीटमेंट तो आपको जर्नल के फॉर्म में जवाब देना है लेकिन एग्जामिनर कुछ भी ना बोले तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे कौन सा मेथड फॉलो करोगे जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं फिर बुक के क्वेश्चन कर लूंगा मैंने क्या करा लोन लिया लोन रुपीस मैंने लिया दस लाख रुपए का ठीक है बदले में मैंने इशू डिबेंचर किए ग्यारह लाख रुपए के हमेशा याद रखना जब आप लोन किसी को दोगे ना तो जो अपने पास एसेट्स गिरवी रखोगे वो लोन अमाउंट से ज्यादा का ही रखोगे क्योंकि एसेट्स के वैल्यू में आता रहता है इसलिए आप ज्यादा आप जैसे मुथुट फाइनेंस पे गोल्ड लोन लेने जाओ तो अगर आपका एक लाख रुपए की ज्वेलरी है तो एक लाख का लोन नहीं देंगे वो आपको सत्तर हजार का ही लोन देंगे उसके बराबर नहीं देंगे कभी भी तो ऐसे ही मैंने लोन कितने का लिया दस लाख का और सामान गिरवी कितना रखा ग्यारह लाख रुपए तो हमने डिबेंचर इशू मैंने लिखा नहीं पूरा वर्ड एज अ कोलेटरल तो सर इसको हमें फर्स्ट मेथड में हमें कैसे करना है एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में करना है सर सर बैलेंस शीट कैसे जो आपने सीखा हुआ है बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट का शेड्यूल थ्री वाला वैसे ही सर पूरा करना होगा इसके अंदर बस सिंपल सा टॉपिक है जो लोन वाला है सिर्फ लोन वाले सेक्शंस को हम कवर करेंगे लाइबिलिटी वाले साइड को एसेट्स वाले साइड से कोई मतलब नहीं है यहां पे क्या लिखा जाता है सर नोट यहां पे लिखा जाता है अमाउंट यहां पर्टिकुलर। यहां पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट और ऐसा बैलेंस शीट जो कि पूरा नहीं बनता उसको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बोल देते हैं और यहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा रोमन में लिखा जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रोमन में इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसके बाद यहां है हमारा जैसे आपको पता है कि पहले करवाया भी शेयर होल्डर फंड फिर इसके अंदर पार्ट आता है जबकि शेयर होल्डर फंड है ही नहीं तो दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है नॉन करंट नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी इसके अंदर ए पार्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरइंग इसके अंदर क्या आता है ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग अब लोन वगैरह इसी में आ जाता है तो लॉन्ग टर्म बोरइंग ऐसे लिख दोगे आप इसी के ब्रैकेट में लिखोगे आप इशू टेन परसेंट डिबेंचर रुपीस ग्यारह लाख और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आप जैसे पॉइंट कोई भी नोट बनाते हो तो यहाँ पे आपने लिख देना है लोन लिया है आपने और लोन लिया है मैं नोट में नहीं जाना चाहता मैं सिंपली करना चाह रहा हूँ तो जो लोन लिया है वो लिया है आपने दस लाख बस इतना करना है यानी जो डिबेंचर इशू किया है उस डिबेंचर को ब्रैकेट में लिखना है उस अमाउंट को और जितने का लोन लिया है बाहर इसके साथ ना एक जनरल एंट्री भी करनी है आपको किस चीज की एग्जामिनर कई बार बोलते हैं करो मत करो मर्जी है लेकिन मेरा मानना है जनरल एंट्री कर देना चाहिए किसका लोन लेने का तो लोन लेने का जनरल एंट्री क्या हो सकता है सर लोन लेने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट पहले इसके पहले करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपने लिया है बैंक लोन कितने रुपए का लोन लिया है दस लाख दैट्स इट यानी बैंक लोन टेकन इसका बींग होगा बैंक लोन टेकन तो पहले यू हैव टू के आपको जनरल एंट्री करना है फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है सर बैलेंस शीट में क्यों करना है क्योंकि सवाल ने अगर बोला हो फर्स्ट मेथड से करिए तभी करना है हमें समझ में आ रही है बात आपको दूसरे पार्ट में चलते हैं सेकंड मेथड में सेकंड मेथड में आपको जनरल एंट्री में निपटारा करना है तो ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है तो पहली एंट्री हम करेंगे लोन लेने की दैट इज हमारा होगा बैंक अकाउंट टू बैंक लोन बैंक लोन दैट इज टेन लैक और दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर इश्यू करने का जो कि क्या बनता है हमारा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू टेन परसेंट डिबेंचर यहां ग्यारह लाख रुपए से एंट्री करोगे सेकंड मेथड ये कहता है ठीक है पहले का बीइंग होगा बैंक लोन टेकन और दूसरे का बीइंग होगा डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी मैं लिख देता हूं डिबेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ठीक है ना ये हो गया हमारे पास कितने मेथड हो गए दो एक इसमें और सवाल आता है कि सर मान लो ये तो हो गया कि हमने सिंपल सा लोन लिया लोन लेने के बाद हमने डिबेंचर कर दिया लेकिन अगर डिफॉल्ट हो जाए तब क्या होगा तो डिफॉल्ट होने के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस और लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा लोन भी हमारा रिवर्स हो जाएगा एक तरीके से मैं एक बता दूंगा किस तरीके से होता है बाकी सिंपल इसमें से ज्यादा तो ठीक है एक थ्योरी सा, सा, पूछ लिया जाता है यू मीन बाय द कोलेट्रल सिक्योरिटी तो आपके बुक में मेंशन है आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है कि कभी कंपनी को फंड्स बोरोड करने की नीड होती है तो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेती है बदले में उसको एक डिबेंचर इशू कर देती है एज ए सिक्योरिटी और उस डिबेंचर के ऊपर कंपनी कोई ब्याज नहीं देती बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकिन हाँ उस डिबेंचर पे ब्याज देना पड़ सकता है अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट को रीपेमेंट करने में तो वहां पे थ्योरी में जो चीजें मैंने अभी बोला है वही चीजें आपका मैं वीडियो ब्रेक हो रही है सर कल भी क्लास होगी बिल्कुल क्या कह रहे हो ऑथराइज कैपिटल में शेयर्स होता है डिवेंचर नहीं सिर्फ शेयर्स, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर रहते हैं एक मिनट रुकिए मैं चेंज कर देता हूं जिन बच्चों को कह रहे हैं रिफ्रेश कर दिया है दोबारा चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है Yeah. देखिए एक क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी ठीक है सर स्काई स्काई लाइक लार्क आपका एक कंपनी है ऑप्टेन अ लोन फाइव ईयर फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी जो लोन है ना जरूरी नहीं है बैंक से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है जिनका काम सिर्फ लोन देना होता है जैसे आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इनका काम भी सिर्फ लोन देना होता है पॉलिसी करना तो होता ही है साथ के साथ इनका काम लोन देना भी होता है इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं कंपनीज हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया इनका काम लोन देना होता है मुथूट फाइनेंस हो गया तो ये सभी के हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस यानी एल से इसने बीस लाख रुपए का लोन लिया अगेंस्ट सिक्योरिटी बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इसने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तो गिरवी रखा ही उसके एडिशन में और 12 परसेंट उसने डिबेंचर भी 15 लाख रुपए का गिरवी रख दिया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओनली तो यानी सर जनरल एंट्री भी बोला है तो फर्स्ट सेकंड मेथड हो गया और फर्स्ट मेथड दोनों से ही तो पहले मैं सेकंड मेथड करके दिखा देता हूं आपको तो इजी रहेगा सेकंड मेथड तो सर सेकंड मेथड करोगे तो सबसे पहले बैंक लोन ले लो बैंक लोन सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन सर कितने रुपए का लोन लिया बीस लाख सिंपल सर अगली एंट्री क्या होगी इसकी डिबेंचर सस्पेंस कितने परसेंट डिबेंचर ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर सस्पेंस टू ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर नहीं डिबेंचर सस्पेंस चलो हांच कोई बात नहीं ये डिबेंचर जो था वो कम का था क्योंकि एसेट्स भी रखा था तो पंद्रह लाख ही दिया मैंने डिबेंचर बाकी उसने कुछ एसेट्स दिया होगा कितने का एसेट्स दिया हमें उसके जानने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर हमें बता भी देता कि भैया सात लाख का एसेट्स दिया पंद्रह लाख का एसेट्स गिर भी रखा है तो उसका हम कोई एंट्री भी नहीं करते जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि मैंने बिल्डिंग और प्लांट दिया लेकिन सोच रहे हो सर अमाउंट तो दिया ही नहीं तो अगर लिख भी देता कि बिल्डिंग दस लाख का है प्लांट पांच लाख का है तो उसका हमें अमाउंट का कुछ करना ही नहीं था ठीक है अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड का तो उसमें पहली एंट्री तो होगी होगी साथ में बस आपको क्या करना होगा एक बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होगा या वायब फॉर्मेट नोट्स के थ्रू कर दो या सिंपल कर दो बुक वाले नोट्स के थ्रू प्रेफर करते हैं करना तो मैं ये वाला जो है नोट्स के थ्रू बना के कर देता हूं नोट है और यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी और फॉर्मेट पूरा होना चाहिए आपका ध्यान रखिएगा इस बात का नहीं तो कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे यहां बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लिखो तो ज्यादा अच्छा है मैं सीधा पॉइंट नंबर वन है शेयर होल्डर फंड मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लिख देता हूं नहीं तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट नंबर टू है नॉन करंट लाइबिलिटी और पॉइंट नंबर इसके अंदर ए आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग इसके लिए मैं नोट वन का हेल्प लूंगा अब मैं नोट में कन्वर्ट कर देता हूं मैंने यहां लिखा नोट वन नोट वन में लिखा मैंने बैंक लोन दैट इज आपका बैंक लोन जो है वो है हमारा बीस लाख का और यही नोट में ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉपर फॉर्मेट में करना है ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इशू मैंनेचर रुपीज फिफ्टीन लैख बस और नोट नंबर वन में यहां पे आपने सीधा सीधा बीस लाख रुपए लिख दिया और भी कुछ नहीं करना है ठीक है ये तो हो गया किस फॉर्मेट में नोट इस नोट को भी आप पूरा फॉर्मेट में करोगे कॉलम वगैरह बना के जैसे ये हो गया हमारा ठीक है इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे ठीक है तो ये हमारा दोनों मेथड से पूछा था दोनों मेथड से हमने करके दिखा दिया डिवेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी ठीक है सर एक और सवाल है हमारे पास हाँ जी बताइए कुछ पूछ रहे हो आप कौन सा दिखाओ एक बार क्वेश्चन नंबर नहीं कौन सा नंबर बता दो एक बार मुझे नाइनटीन है यहाँ पे तो कंपनी है पांच जनरल हाँ ये सेम ही है ये क्वेश्चन तो तो एक बार रुक जाओ देखना क्या है इसमें डाउट मैं बता देता हूँ सेम ही क्वेश्चन है जैसे एक क्वेश्चन कहता है लोन हमने पचास लाख का लिया पांच साल के लिए ये हमने करा एक बैंक है आंध्रा बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑल टेंजिबल एसेट्स इन एडिशन हमने डिपॉजिट किए टेन परसेंट डिवेंचर तीस लाख रुपए के एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी पास जर्नल एंट्री एंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट फिर से दोनों मेथड बोला तो ये भी सिंपल हो जाएगा या नहीं होगा तो इसको होमवर्क में डाल देते हैं बिल्कुल सेम है क्वेश्चन ठीक है आपके बुक में देखो पूरा फॉर्मेट मैंने बैलेंस शीट का यहाँ पे नहीं बताया बुक सभी बच्चों को लेना बहुत जरूरी है जो बच्चे बुक नहीं लेंगे उनको प्रॉब्लम होगी ही हो होगी बुक के अंदर इसका सोल्यूशन प्रॉपर मैनर में आपको गिवन होगा और आप वहां से मतलब मैंने जो बताया वही सोल्यूशन है बस वहां पे थोड़ा सा फॉर्मेट करने का तरीका प्रॉपर गिवन होगा कि आपको कहां क्या करना है कहां अमाउंट लिखना है किस तरीके से एज ऑन एज लिखना है तो वो सारी चीजें लिखा हो क्लियर है